Hello guys, welcome back in V Zone. This is Manu. Today we are going to react on Amit Badana Parichay Technical Guruji Exposed PewDiePie versus T Series Chai with Sai. So दोस्त यार by Simon Says, ये बहुत पुरानी वीडियो है और बहुत सारे सजेशन थे Simon Says की इस वीडियो के लिए. So let's check it out. इसके अंदर क्या कुछ और अमित बढ़ाना क्या परिचय सॉन्ग सुना है तुमने, याद है? और यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा हाईलाइटेड वर्ड लग रहा है टेक्निकल गुरुजी एक्सपोज. तो टेक्निकल गुरुजी को इस वीडियो में कैसे एक्सपोज किया है ये देखने के लिए टेक्निकल वीडियो. हियर वी गो. टर्न ऑन चाय. गिरा दी. ये ऐसे होता है, तुमसे होता है, गिरता है ऐसे चाय. देखो पुरानी हुई, इतनी ब्यूटी है ना. Welcome everybody to Chai Pe Charcha, Chai 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 with Sai everybody, where I will be giving my heavily biased opinions on mildly interesting topics. So our first topic of the day is Amit Bhadana's new music video Parichay. Amit Bhadana, he is the biggest Indian YouTuber with over 13 million subscribers. Abhi main zabardasti रोस्ट नहीं करने वाला अमित भड़ाना का. द म्यूजिक वॉज गुड एंड द प्रोडक्शन क्वालिटी वॉज अमेजिंग. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल प्रोड्यूस्ड म्यूजिक वीडियोज, आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट वेल प्रोड्यूस्ड वीडियोज इन इंडियन यूट्यूब. बट द लिरिक्स वर अ बिट रिपीटेटिव. यार 7 मिनट तक कौन अपना इंट्रोडक्शन देता है यार, इतना टाइम तो नहीं लगता इंट्रोडक्शन देने में. सी दिस इज नॉट अ रोस्ट, ठीक है, दिस इज मोर लाइक अ सॉटे. आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई ओपिनियंस. द मोस्ट इंटरेस्टिंग विजुअल आई फाउंड इन द म्यूजिक वीडियो वॉज वेन अ हेटर is holding a phone and seeing a photo of Amit Bhadana hospitalized and laughing on that. तो उन्होंने अपने haters की ये image बना दी कि haters मेरे इस बात पर हंसते. भाई ऐसी बात नहीं है, आपके haters आपके content के ऊपर हंसते हैं, तो please उतना arrogance मत बताओ. But the music video was good, ठीक है. और just in case अगर आपको वो music video देखकर ऐसे लगता है कि Amit Bhadana ने मेहनत नहीं की है, तो Amit Bhadana make sure of the fact that you realize कि Amit Bhadana ने मेहनत की है. मैंने की है मेहनत. वाह वाह क्या बात है, very good very good. सबने मेहनत करनी चाहिए ऐसे. मैंने की है मेहनत. Okay, I got the point. आपने मेहनत की है, no doubt. हम देखिए हम समझ गए आपने मेहनत की है, लेकिन आप अकेले नहीं है जिन्होंने मेहनत की है, सब मेहनत करते हैं, सब मेहनत से अपना काम करते हैं यार. मैंने की है मेहनत. अरे भाड़ में क्या तेरा परिचय भिंडी हट. इस म्यूजिक वीडियो पर कैरी मिनाटी का ये रिस्पांस था, भाई अमित भड़ाना का परिचय सॉन्ग कैसा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत मेहनत किया भाई ने. और बीबी की वाइंस का ये रिस्पांस था, बढ़िया काफी मेहनत दिखी है वीडियो में. ओके सो सुनाओ, दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सच है, लेकिन हम यार ये रिएक्शन देखकर मुझे ऐसे लगता है कि मालूम है कभी कभी हम कुछ चीज देखते हैं लेकिन हमें वो ऑनेस्टली पसंद नहीं आती, लेकिन सामने वाले को बुरा ना लगे इसलिए हम उसको थोड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं कि अच्छा था बहुत मेहनत तो बहुत की यार. नोबडी इज डिनाइंग दैट इतना वेल प्रोड्यूस वीडियो बनाने के लिए मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन यार आमिर खान ने भी बहुत मेहनत की थी थग्स ऑफ हिंदुस्तान बनाने में. मैंने की वो वीडियो में थ्रू आउट हम्बल ब्रैग वाला फील आ रहा था, जेक पॉल विल बी प्राउड. But it's fine, it's a really good music video. I will not just roast for the sake of roasting. But thoda sa narcissistic lag raha tha, I won't deny that. More than an introduction, it was more like a CV which Amit Bhadana has made for Bollywood. क्योंकि उन्होंने कुछ हफ्ते पहले एक 40 मिनट का स्केच अपलोड किया था, तो ये देखकर वैसे ही लगता है कि वो बॉलीवुड को बता रहे कि देखो मैं फिल्में भी बना सकता हूँ, मैं गाने भी बना सकता हूँ. आई सिंसियरली होप दैट अमित भड़ाना मेक्स इट इनटू बॉलीवुड, बट इट विल बी अ वेरी सैड डे फॉर इंडियन यूट्यूब इफ दैट हैपेंस. इंडियन कॉमेडी सीन, यूट्यूब सीन विल डाई. बच्चों के साथ मम्मी पापा को हंसाया, गंद नहीं कंटेंट पारिवारिक बनाया. Also credit where it is due, I will be honest with you, Amit Bhadana ke recent videos mein, in the past few months, he has reduced his misogynistic content in his videos, so I will appreciate that at least he is improving. Maybe he saw my roast video, maybe not, but that does not matter. What matters is that he is improving. But nobody can deny Amit Bhadana's success. You can question his content, but you cannot deny his smartness. That music video got 1 million likes in just one day, so that is not a joke. Congratulations to Amit Bhadana. Let's move on to our next topic. Okay, yeah, oh shit,
I always forget to announce this. I have made a subreddit of mine, r/Simon Says. So please submit memes, funny videos and mildly interesting stuff on that subreddit r/Simon Says so that I don't have to struggle to find content. Our next topic, everybody. Technical Guruji Exposed. Now I respect Technical Guruji a lot. He uploads 2 videos a day and he's doing that since the past 2 or 3. I haven't been following him, but that is very respectable that he uploads 2 videos every day. But a YouTuber called Tech Star Shahrukh has exposed Technical Guruji, saying that he is biased. Technical Guruji is the leading Hindi technology channel and he uploaded a video where he did a bend test of the new phone Redmi Note 7. Okay, so the thing about a bend test is that you have to apply pressure in the center of the phone. Okay? You have to apply pressure in the center of the phone to test the durability of the phone. But what Technical Guruji did is that he applied a lot of pressure on the edge of the phone. यहाँ पे ऐसे glass पूरा बाहर आ रहा है और okay. दोस्तों ये फोन जो है ना ये 2 टुकड़ों में हो रहा है भैया. This is not a strong device. The funny thing about this video is he applies so much pressure. इतना pressure apply करता है कि the entire bench shakes. So YouTuber Techstar Shahrukh says that Technical Guruji did this bend test and broke the phone as a revenge to Xiaomi's MD's tweet. People are saying that this tweet by Manu Kumar Jain, who is the MD of Xiaomi, is indirectly targeting Technical Guruji, and Technical Guruji did not like this. So that is why he did such a extreme bend test on Redmi Note 7, which is owned by Xiaomi. This is not a strong device. Technical Guruji is saying that the reason why he did such a harsh bend test on Redmi Note 7 is that because Redmi Note 7 has claimed that it is that tough. देखिए कोई भी यूट्यूबर, चाहे वो मैं खुद अगर ये टेस्ट करूंगा तो वो मैं ऐसा टेस्ट क्यों करूंगा या कोई भी ऐसा टेस्ट क्यों करता है, तो इसका सिंपल आंसर है एक पब्लिसिटी स्टंट. लेकिन एक फोन को तोड़ना है बड़ा ही आसान है, कोई भी तोड़ सकता है. और जरूरी नहीं कि फोन मजबूत है तो आप तोड़ ही नहीं पाएंगे. इंसान में बहुत ताकत है, बहुत ही नो स्ट्रेंथ होती है. और अगर आप ठान लें, अगर आप ये जान लें कि आपको इसको तोड़ना ही है, आप इसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं, यू हैव टू ब्रेक इट, बिकॉज आपको वीडियो में वही दिखाना है कि देखो मैंने जोर लगाया और ये फोन टूट गया, तो इवेंचुअली आप वैसी वीडियो बना लेंगे और फिर वो वीडियो क्या होता है कि वायरल हो जाती है. दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग डिवाइस. अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट टेक्निकल गुरुजी बिक गया है एंड दैट ही इज very biased towards Samsung and all that. See, I don't know much about this now. Yeah, Technical Guruji ka channel band ho gaya to fir chaliye shuru karte hain, kaun bolega yaar. I'll miss that. To chaliye band karna padega yaar. I'm not ready for that. Please Technical Guruji, I hope you have a good explanation. I'm rooting for you. यार ठंडी में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है यार. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टी सीरीज वर्सेस प्यूडीपाई. वाओ, इट फील्स लाइक डिसेंबर अगेन. आई हैवंट स्पोकन अबाउट दिस टॉपिक सिंस अ लॉन्ग टाइम ऑन माय चैनल. सुपर बोल इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स इन द वर्ल्ड एंड इट इज डेफिनेटली अमेरिकाज बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट. एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ हाइप दैट मिस्टर बीस्ट इज गोइंग टू समहाउ एडवर्टाइज प्यूडीपाई ऑन दैट शो. द सुपर बोल शो हैपेंड यस्टरडे एंड मिस्टर बीस्ट समहाउ प्रमोटेड प्यूडीपाई, बट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वर हैप्पी विद इट. मिस्टर बीस्ट एंड हिज टीम वेंट टू सुपर बोल एंड दे वोर टी-शर्ट्स saying subscribe to PewDiePie. So that was funny, but a lot of people thought that Mr. Beast was going to buy billboards or he was going to buy a TV commercial during the Super Bowl broadcast. In my opinion, it wasn't that bad because ESPN tweeted this picture out, which I don't know who Stephen Gutowkowski is, but in the picture you can clearly see sub to PewDiePie t-shirts in the audience, and I am pretty sure ESPN tweeted this picture out just because there was this sub to PewDiePie t-shirts in the photo. So yes, I guess in the end the strategy definitely worked out. Mr. Beast is smart. Also, the sub gap was 29,000 yesterday and most of the Indians were very excited that T-Series is going to finally take over PewDiePie, but as it always happens, the sub gap increased to almost 150,000 now, mainly because PewDiePie did a live stream playing Fortnite, which he has never done before, and also VoiceOver Pete and Keemstar did a live stream, which might have helped a bit. Yes, I think this battle is going to go on forever and I am a proud insider, infiltrator, whatever my position is, of the 9-year-old army. Also, when popular Indian rapper Raftar was asked who does he support between T-Series versus PewDiePie, he said that he supports Salil Jamdar. So Salil Jamdar is this guy who I've mentioned in my videos before. He made a diss track where he dissed Carrie Minati, he dissed PewDiePie and he dissed T-Series also, and his diss on T-Series is
really damn good. And Raftaar said he supports Salil Jamdar. So I am happy that a superstar like Raftaar is not being a sheep and supporting T-Series just because patriotism. So props to Raftaar for that. Find a Salil Jamdar song stick in the dump. T-shirt is based on the ground. And of course, Amit Bhadana, Ashish Chanchlani and Harsh Benival have been promoting T-Series on their social media. T-Series बहुत पास आ गया है number one channel बनने के world का. And मुझे चाहिए कि आप सब उसे subscribe करो क्योंकि मैंने भी उस company के साथ काम किया है. And बहुत अच्छे लोग हैं. T-Series is amazing. T-Series values artists, they respect artists. It's a very good company. And उनके साथ काम करने में इतना मजा है. आप लोगों के messages और comments से मुझे अभी पता लगा है कि T-Series बहुत जल्द पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल बनने वाला है. तो भैया इसको स्वाइप अप करें और सब्सक्राइब करें T-Series को. और जब कोई पूछेगा कि सबसे ज्यादा यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स वाला चैनल कौन सा है तो लोग कहेंगे T-Series. ठीक है, फिर वो पूछेगा कि भाई ये कहाँ से है तो वो कहेंगे इंडिया से है, अपने भारत से है. बड़ी खुशी की बात है. आई होप आफ्टर फ्यू इयर्स व्हेन यूट्यूब इज डोमिनेटेड बाय कॉर्पोरेशंस दीज इंडिविजुअल इंडियन यूट्यूबर्स विल रियलाइज कि वो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं. यार अगर तुम ऐसे ही कंपनीज को सपोर्ट करोगे तो थोड़े साल बाद इंडिविजुअल यूट्यूबर्स को कोई नहीं पूछेगा. सो गुड लक विद दैट आशीष चंचलानी, अमित भड़ाना, हर्ष बेनीवाल, गुड लक विद दैट. Also ending this video with a very wholesome news which happened on Reddit. So there is this subreddit called Roast Me, and on that one 17-year-old Russian teenager posted this photo of saying Roast Me. So the concept of this subreddit is that people post photos of themselves holding this card which says Roast Me. They get roasted pretty badly, but when this guy posted a photo of himself saying Roast Me, things were different. The title of his post says that 17-year-old Russian with crippling depression, give me a reason to end it all. And if you see the photo, normally people are very enthusiastic in their photos, but this guy looks very sad. Like you can see no life in his eyes, and it's really very sad. But people realize that. People realize that in the comment section below, and all the comments are so wholesome. Top comment says that I won't roast you, but I will wrap you in a blanket and make you a burrito. I will give you a tea. It is difficult to be depressed when you are a warm burrito. I have been that road before, and I just wanted to know that you have something to live for. Get well, man. I encourage you to go and read all of these comments, because like they might just make your day, and it is really refreshing to see such positivity on the internet. So please go and check this link out in the description below, and please go and check out my subreddit, subscribe to it, and please post memes, post funny videos, and post such mildly interesting stuff so that I get free content. Thank you for watching. Bye. आप सब भी मेहनत करो काफी अच्छे से हर एक बार इसकी हमेशा मुझे किसी ना किसी पॉइंट से ना डिसएग्रीमेंट होती है. अभी क्या डिसएग्रीमेंट था? टी सीरीज वाला कि आप उसने हर्ष बेनीवाल को बोला कि तुम लोग उसको प्रमोट करो, तो तुम ये नहीं देख रहे हो कि कहीं ना कहीं तुमको भी पीछे जा रहा है. ये कॉम्पिटिशन है, अगर अपना इंडिया उस चीज से आगे बढ़ रहा है तो व्हाई नॉट. एक वो बात बिल्कुल ठीक है. देखो एज अ इंडियन हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि, बट यहाँ पर साइमन सेज का पॉइंट है. मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें साइमन सेज ने टी सीरीज को ना प्यूडीपाई को वो किया था क्या प्रमोशन के लिए उस वक्त, उसके बाद ही काफी चढ़ा था भाई. हाँ, सुन मैं बताता हूँ. नहीं मैं बता तो अभी उसने जो रीजन दिया कि वो एक कंपनी है, यहाँ पर एक इंडिविजुअल पर्सन है, तो ये इन दोनों का गैप है, इतना डिफरेंस है, तो इन्होंने ये बताने की कोशिश की थी. सो वो भी ठीक है यार, तुम्हारी बात भी ठीक है. मैंने की है मैंने स्वीट काइंड ऑफ रोस्ट जिसमें बोल भी दिया और स्वीटली भी बोल दिया, तो वो अच्छा लगा मुझे. एंड प्यूडीपाई वाला भी ठीक था. सो जो रोस्ट किया तीनों पे वो अच्छा था, बहुत अच्छा था और मजा आया. मजा आया. एंड फर्स्ट टाइम मैंने साइमन सेज की वीडियोस को ट्रूली एंजॉय किया. अच्छा, फेकली एंजॉय पहले हो रहा था. देखा मैं बोलता था, आई ऑलवेज से दैट, मैं हमेशा बोलती हूँ देखने के बाद, बट यहाँ पे मैंने सीरियसली एंजॉय किया. तो दोस्तों यार, और फर्स्ट मुझे नाम याद था, ये सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा साइमन सेज का नाम भूल जाता हूँ. सो दोस्तों यार, मैंने की है मैंने. सो दोस्तों यार, आपको वीडियो कैसी लगी बताइए. वाओ आखिर में छे इफ यू न्यू टू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट आल्सो इंक्लूडिंग योर सजेशन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ यू योर साइमन सेज व्हिच आई कैन लाइक इट, सो यू कैन डू कमेंट. So till then, we'll be signing out. Bye. Bye.